खुशखबरी है कराची के आवाम के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। कराची में गेम्स 2023 का आगाज हो गया है। 6, 5, 4, 3, 2, 1 हजारों खिलाड़ी इन गेम्स में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। कराची गेम्स 2023 का इवेंट बल्दिया उस्मा कराची के तहत मुनक्किद किया जा रहा है। कराची गेम्स 3 से 12 मार्च 2023 तक शहर के मुख्तलिफ मकामात पर होंगे। कराची गेम्स में 42 खेल शामिल हैं। मजमुई तौर पर 5000 खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। 27 खेलों में खवातीन भी हिस्सा ले रही हैं। गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी कराची गेम्स 2023 का इफ्तिताह करने कश्मीर रोड पर वाके केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जहां एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान और दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंह को बग्घी में बिठाया गया और इफ्तिताही तकरीब के लिए सजाए गए मैदान तक ले जाया गया। इस दौरान मुख्तलिफ बैंड भी बजते रहे। कराची गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान के अलावा मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स, लेजेंड स्क्वाश प्लेयर जहांगीर खान, ओलंपियंस हनीफ खान, इस्लाहुद्दीन, आलमी मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली एथलीट नसीम हमीद, साबिक क्रिकेटर सादिक मोहम्मद, तौसीफ अहमद और शोएब मोहम्मद समेत दीगर खिलाड़ियों, फनकारों और मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात भी इस तकरीब में मौजूद थीं। तकरीब में कौमी तराना पेश किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कराची गेम्स शुरू करने का ऐलान किया। कामरान खान टिसोरी कराची गेम्स 2023 के आगाज का ऐलान करता हूं। जहांगीर खान ने कराची गेम्स की शमा रोशन की। फजा में गुब्बारे छोड़े गए, कबूतर भी आजाद किए गए।
کراچی گیمز میں حصہ لینے والی ٹیموں نے مارچ پاسٹ کرتے ہوئے مہمان خصوصی گورنر سندھ کو سلامی پیش کی۔ بچوں نے ثقافتی گیتوں پر اپنی فنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ گیمز 2023 اس میں ہزاروں کی تعداد میں جو کھلاڑی ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں، اور یقیناً یہ جو اس طرح کے گیمز ہوتے ہیں اس میں ایک تو جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ ٹیلنٹ جو ہے ابھر کر سامنے آتا ہے، اور پھر لوگوں کو تفریح کا بھی بہترین جو ہے موقع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ صحت مند معاشرے کی تشکیل میں اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں انتہائی ضروری ہیں، اور یہاں پر جس طرح سے جو کوشش ہے گورنر سندھ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی کی، تو یقیناً یہ جو ایونٹ ہے گیمز 2023 کراچی تو یہ ضرور کامیاب ہوگا۔